ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहनी तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार? झनक 20 नवंबर से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। हेलो हेलो हेलो, सॉरी इट वाज अ टेक्निकल इश्यू। इतना पेशेंटली वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस पाकी शाह एंड मिसेस काव्या वनराज शाह। जो मेरे साथ हुआ मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे बाबा कुछ चाहिए था, इसे काव्या की जरूरत है। कहाँ गई काव्या? म्यूजिक को क्या हुआ? ओह गॉड, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस अनाउंस हो गया और क्रिस्टी फोन पे बिजी है। अब कुर्सी फोन उठाओ बेस्टी प्लीज। गॉड मेरा फोन यही है। इतने सारे मिस कॉल्स, निशा का मैसेज, काव्या इंपॉर्टेंट कॉल है प्लीज पिक अप वरना जॉब हाथ से निकल जाएगी। ओह माय गॉड, परफॉर्मेंस भी अनाउंस होने वाली है। पहाड़ में गई डांस परफॉर्मेंस। छुपर से परफॉर्मेंस के लिए मैं इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दे सकती। गॉड यहाँ इतना शोर है और अगर समर और नंदिनी ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। मैं बाहर जाके फोन करती हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी वी आर फेसिंग अनदर टेक्निकल इशू, प्लीज बी सीटेड। ये सब हमारे बाकी के वक्त क्यों होता है? होगा होने, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसमें क्या अच्छा हुआ? सबर का फल मीठा होता है, रिलैक्स। तूने खाया है क्या? तो मुझे बता रहा है, अपनी माँ को मत सिखा। अब किंजल बेटा। यस पापा। तुम्हारी तोशु से बातचीत हुई? अरे भाई अचानक क्या हो गया, वायर निकल गया क्या? पता नहीं क्या हो गया। वनराज तू जरा जाके देखना ये क्या गड़बड़ है, सही करके आ जा। बाप मैं कैसे? अरे वो इंजीनियर थोड़ी है, सब्र रखो। पावर तो आ रहा है, पावर है ना? हाँ है, पावर है। जल्दी करो, ऑडियंस वेट कर रही है। बस अभी कर रहा है। कितना टाइम लगा रहा है? हाँ अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है।
कल मैं और बेस्टी फर्स्ट आएंगे और प्रूफ कर देंगे कि मैं आपके बिना भी चल सकती हूँ। प्रूफ कर देंगे कि आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी मम्मी की जरूरत नहीं। बाकी तुम एक काम करो, आज ना मेरी जगह तुम अपनी मम्मी को ही ले जाओ अपने साथ। नहीं बेस्टी, अब मेरे साथ आप ही चलोगी। मेरी परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले आप चले जाइएगा। मैंने पर तुझे छोड़ के जा नहीं पाई, बहुत कोशिश की। सॉरी सॉरी। काव्या कहाँ है? हाँ सब ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? वो यहाँ पर तेरे साथ क्यों नहीं है? कहाँ है काव्या बेटा? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, बेस्टी मुझे लास्ट मोमेंट पे टच करके चले गए। इसे कैसे जा सकती है ये? इतने गैर जिम्मेदार मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती है वो? उसे पता नहीं है क्या तेरे लिए कितना बड़ा दिन है? वैसे कैसे जा सकती है ये? जाना ही था तो बता के जाती ने। हेलो हेलो, माइक चेक। डन। सॉरी, हम एग्जैक्टली 5 मिनट्स में शुरू करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर पेशेंस। आपने मेरी ड्रेस को हाथ क्यों लगाया? कंपटीशन जीतने के बाद ना मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी मम्मी। आई डोंट नीड यू मम्मी, मैं बड़ी हो गई, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। कल अगर मेरी मम्मी मुझे वहां देख गई तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। आई हेट यू मम्मी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। पूरे स्कूल में अब मैं चौक बन जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैंने आपकी इंसल्ट की मम्मी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सो प्लीज वेलकम मिस पाकी शाह एंड मिसेस काव्या वनराज शाह। सॉरी मम्मी, जिस पे गुस्सा किया, जिसे यहाँ रहने से मना किया वो मेरे पास है, और जिस पे ट्रस्ट किया, जिसे यहाँ होना चाहिए था वो मुझे बीच में छोड़ के चले गए। मैं हार गई मम्मी। I deserve this nice life। नहीं बेटा, जरा भी नहीं। आ बेटी, जरा भी नहीं। तू मेरी बेटी है और मेरी बेटी हार नहीं मानती। पर जीत भी तो नहीं सकती ना मम्मी। मम्मी, हेलो। हाँ मम्मी। व्हाट सॉन्ग चेंज? तो शो ज्यादा खुश मत हो, मैं मम्मी के लिए नहीं पाखी के लिए आया हूँ। जिसके लिए भी आए हो, आए तो हो।
Yes, my girls are here. ये अनु आंटी ने गाना चेंज करने के लिए क्यों कहा? पता नहीं. अनुपमा, ये मैदे की कटोरी कहाँ गई? हाँ, काव्या के जगह अनुपमा. ये डांस है या मैजिक शो? जीतता तो छोड़ो, मैं परफॉर्म भी नहीं कर सकती. अगर आपके साथ प्रैक्टिस की होती तो वो वाला डांस कर लेती, पर मैंने आपको चांस ही नहीं दिया मम्मी. और काव्या के साथ जिस गाने पे प्रैक्टिस की है वो स्टेप्स आपको नहीं आते. हम कोशिश करेंगे तब भी इंसल्ट ही होगी मम्मी. हाँ, तो हम दूसरे गाने पे डांस करेंगे ना? दूसरे गाने पे? हाँ, तुझे याद है जब तू छोटी थी तो हमने वो कोलिनी के डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था मदर्स डे पे. हाँ, याद है वो गाना? स्वीटूडी, सारे स्टेप्स याद है ना? इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया कि पूरी जिंदगी स्टेप्स नहीं भूल पाएंगे. पक्का? पक्का. हर बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है उसकी माँ. और आज ये गुरु शिष्य डांस कॉम्पिटिशन में तुझे तेरी सबसे पहली गुरु के साथ डांस करना पड़ेगा. चल मरी स्वीटूडी, एक दूसरे से बहुत लड़ लिए, अब दुनिया से लड़ते और जीतते. चल.